हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना बनाना विद अंकना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्टार्टर रेसिपी, जो है हनी गार्लिक प्रॉन। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है और बहुत टेस्टी है, और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे इसे बनाते हैं। मेरा जो इंग्रेडिएंट्स है मैं पहले भी दिखाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो होगा ही। आप लोग मेरा वीडियो पूरा इन तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हनी गार्लिक प्रॉन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्रॉन। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम प्रॉन लिया है और इसको मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया है नमक देके। फिर मैंने लिया है बटर, उसके बाद मैंने लिया है 4 टेबलस्पून हनी, फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, उसके बाद मैंने लिया है सोया सॉस 2 टेबलस्पून, फिर मैंने लिया है सॉल्ट, और मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, और मैंने लिया है तिल 1 टीस्पून। सबसे पहले मैं प्रॉन को थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डाल के मिक्स करूंगी। इसको बॉईल किया मैंने क्योंकि अगर फ्राई करूंगी तो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिया है ताकि बहुत नरम हो जाए, एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर आ जाए। अभी मैं इसको फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया। अभी मैं इसमें बटर डालूंगी 2 टीस्पून। बटर मेल्ट हो गया है, अभी मैं प्रॉन डाल दूंगी इसमें। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इजी है, बहुत जल्दी बन जाने वाला है ये और उतना ही टेस्टी होता है। देखिए कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा लाइट ब्राउन हो रहा है। अगर घर में मेंबर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के प्रॉन भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपको जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है उसका भी क्वांटिटी आपको समझ के ज़्यादा कम करना है। मेरा हो गया है, अब मैं इसको निकालूंगी। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून बटर डालूंगी। इसमें मैं गार्लिक डाल रही हूँ, इसको अच्छे से भूनना है। अभी मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून में ब्लैक पेपर डाल दिया मैंने 1/4 टीस्पून। मेरा जो प्रॉन है वो डाल दूंगी, हनी भी डाल दूंगी। इसको थोड़ा भूनना है, थोड़ा कवर करके रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने इसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऊपर से डाल दूंगी। देखा कितना जल्दी हो गया ना, और गैस को ऑफ कर दूंगी। टेस्टिंग टाइम दोस्तों, देखा कितना अच्छा लग रहा है ना। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव स्प्रिंकल कर दिया है, और अभी मैं थोड़ा सा तिल ले रही हूँ, और भी अच्छा लग रहा है ना दिखने में, तो टेस्टी भी है उतना ही। और आप लोगों ने देखा ना कितना जल्दी भी बन गया, तो आप लोग भी बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।